हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आजकल काफ़ी चर्चाओं में है द केरला स्टोरी। आखिर ये हर एक राज्यों में क्यों बैन हो? केरल के 3 लड़कियों पे आधारित ये फिल्म कैसी है? लगातार चल रहे विवादों के बीच निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में पहुंच। विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में भी बदलाव करना पड़ा। यूं देखा जाए तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाना फिल्मकारों को हमेशा से आकर्षित करता, मगर जब मेकर्स किसी सच्ची घटना को पर्दे पर उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। द केरला स्टोरी को लेकर हंगामा क्यों हो रहा है? काल्पनिक कहानियों में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है, मगर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म में छोटी सी अतार्किक बात भी अखरती है। हिंदू लड़कियों के कथित धर्म अंतर और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों के घिरे अतिमा उर्फ शालिनी उन्नीकृष्ण से, जो अपने भयंकर और दर्दनाक अतीत की दास्तां बयान करते हुए कहानी कहती हैं। मैंने ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानना ज़रूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जहां 4 छात्राएं केरल के कारकोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिनी अपनी रूममेट गीतांजलि, नीमा और असीफा के साथ रूम शेयर करते हुए एक गहरी दोस्त बन जाती। नी गीतांजलि और नीफा असीफ खौफनाक इरादों से पूरी तरह ना में असीफा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तित करने का एक गुप्त एजेंडा है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का सहारा लेते और ऐसा जाल बिछाती हैं कि लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जाए। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें नशे की दवाइयां दी जाती। परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा किया जाता। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाले वाला रमीज अपने शालिनी को गर्भवती कर देता। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती हैं। किसी अनजान मर्द से निकाह करके भारत छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया भाग निकलती हैं। आगे का सफर शालिनी के लिए और भी भयानक साबित। यहाँ इंडिया में उनकी दोनों सहेलियों गीतांजलि और नीमा को भी नर्क से गुजरना। निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन अपने प्रो के माध्यम से और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे, मगर उनके किरदार पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट हैं। उनकी कहानी में ग्रे चरित्रों की गुंजाइश नज़र नहीं आती। युवाओं का ब्रेन वॉश करने, उन्हें आतंकवाद के गर्व के डुबाना एक बेहद गंभीर आरोप है, मगर फिल्म में उनका प्रोजेक्शन भटका हुआ नज़र आता है। फिल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किए जाने की एक प्रक्रिया बहुत ही बचकानी लगती है। ग्रेजुएशन की हुई लड़कियों को असीफा और उनके साथी जिस तरह गलाते हैं, वह कन्विंसिंग नहीं लगता है। गीतांजलि और अस्पताल में पड़े पिता और शालिनी को कोलंबो में सच्चाई पता चलने के बावजूद उनका सीरिया जाना जैसे अदृश्य है, हजम नहीं होते। फिल्म में हिंसात्मक और बलात्कार वाले दृश्य कमजोर दिल वालों को दहला सकते हैं। कई ऐसे संवाद भी हैं जो विभिन्न समुदाय और विचारधारा के लोगों को के भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं।